रुचि सावंत मोहन, यानी कि आपके दिशा कुमकुम भाग्य शो से। आप दिशा को तो जानते हैं, वो कैसे हंसती है, कैसे बोलती है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, पर आज आप जानेंगे रुचि को, उसकी पर्सनल लाइफ देखेंगे आज आप सास बहु साजिश के साथ में। सो आज मैं पूरा दिन आपके साथ बिताने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। रुचि के दिन की शुरुआत होती है एक चार टांगों वाले शख्स के साथ, वो है मेरा डॉग थॉर। ये मेरी दिन की शुरुआत इसी से होती है, ये मुझे आके नोज किस देता है तो मैं उठ जाती हूँ, सो आई नो दैट ही हैज़ टू ईट समथिंग। और फिर उसके वॉक का टाइम हो जाता है, ही वॉन्ट्स टू गो आउट, तो ये हमारी जान है। 2 साल हो गए इसे आए हुए। ये बहुत खुश हो जाता है। ओके, तो स्टे, नो नो, स्टे स्टे स्टे, वेरी गुड बॉय, स्टे स्टे स्टे, ओके नाउ लेट्स प्रे। Thank you, God, for giving me food. I'll be a good boy and I'll be healthy, fit and fine. Okay, chalo, count down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. चल, खिलाड़ टपकती है, उसको पेशेंस टेस्ट होता है ये, बेसिकली उस पर पेशेंस डेवलप करने के लिए हम लोग ये करते हैं काउंट डाउन, सो दैट ही स्टेज। ओके, 3, he's so used to the whole idea of counting. बेसिकली ये बहुत ओबीडियंट बन जाता है जब आपके हाथ में टॉय होता है, आप इससे कुछ भी करा सकते हैं। मेरे घर का सबसे फेवरेट स्पॉट है मेरी बालकनी, क्योंकि यहाँ से मुझे फिल्म सिटी के पहाड़ नज़र आते हैं, यहाँ से आर ए कॉलोनी जहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारी शूट्स होती हैं, लोकेशंस हैं, उसका व्यू बहुत प्यारा नज़र आता है यहाँ से। हाँ, मतलब यूजुअली तो मैं कुछ भी खाने पीने से पहले योगा करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, पर आज चाय, मतलब बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी ली जाए, बाद में सब कुछ करते हैं। मैंने पेंट किया हुआ है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो अंकित के घर के लिए मैंने, उनके अपार्टमेंट के लिए मैंने ये नेम प्लेट बनाई थी मोहन्स के नाम की, और ये मैंने अपने घर के बाहर लगाया था सावन। तो अभी हम एक साथ रहते हैं तो मैंने ये
साथ में रख दिया है, उसके साथ में ये अंकित है और ये मैं हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल है, इतनी खूबसूरत थी और ये इतनी वाइब्रेंट वॉल थी दैट आई फेल्ट लाइक रिटेनिंग इट। मुझे कुशन्स का बहुत शौक है और कुशन कवर्स का बहुत शौक है, तो मैं ये हर हफ्ते न्यू कुशन्स जगह जगह से ले आती हूँ। ये खादी स्टोर से मैं ले आई थी ये कुशन कवर्स। ये है अंकित की, अभी करंटली उनकी एक फिल्म आई है फर्जंद नाम की, जो उसमें उनका ये लुक है। कुमकुम भाग्य में हमें सीक्रेट सांता के वक्त श्रुति ने हम सबको दिया था, जो आपकी प्रज्ञा है श्रुति झा ने सबको दिया था। ये इजिप्ट से मेरे पापा लेकर आए थे, ये पेंटिंग पेपरस आर्ट है, तो ये मैंने बहुत साल हो गए हैं मैंने संभाल के रखी। और ये है मेरा कमरा, हमारा कमरा इनफैक्ट, ये हमारा बेडरूम है। यहाँ पर ये मेरी और अंकित की वेडिंग फ़ोटोग्राफ है, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इस दिन से, बहुत स्पेशल है हमारे लिए। हम एक सहारा वन, अब तो आता भी नहीं है वो चैनल, बंद हो चुका है, पर सहारा वन का एक शो था घर आजा परदेसी, उसमें हम मिले थे। इनफैक्ट वो शो के एंड में ही आए थे, वो रिप्लेस करके आए थे मेन लीड को, और मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि वो शो करने इसीलिए आए थे ताकि मुझसे मिले और हमारी लाइफ आगे बढ़े। आज मैं आपको थोड़ा सा मेरा सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। मुझे पायलें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, और सिल्वर बेसिकली, मैं गोल्ड इतना मुझे पसंद नहीं आता, हालांकि सब, क्योंकि सब कुछ लॉकर में रखा रहता है, घर पे कुछ नहीं रखा रहता, तो इन पायलों का बहुत स्पेशल प्लेस है मेरी लाइफ में। ये मुझे शादी में पहनाई गई थी। चीज़ों का बहुत शौक है, मतलब मुझे अपने हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ें, अपने हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड चीज़ों का बहुत बहुत शौक है। बहुत यूनिक नेक चेन है विद अ पेंडेंट, इसकी अगर आप आवाज़ सुनोगे तो ये एक मेडिटेशन है अपने आप में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पायलों का बहुत शौक है और मेरे पास बहुत सारी सिल्वर पायलिंग है, ये तो आधा कलेक्शन आपने देखा है और बहुत अंदर रखी थी मैंने, बाहर नहीं निकाली अभी वो, पर मेरे पास गोल्डन कलर की भी पायल है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मुझे महाराष्ट्रियन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनफैक्ट महाराष्ट्र ही नहीं, मुझे बाकी की भी जगहों की, मतलब राजस्थानी ज्वेलरी भी है मेरे पास, आधी ज्वेलरी मैंने यहाँ पे इनफैक्ट रखी नहीं है। ये सजाने के लिए होता है, आपका जूड़ा जितना बड़ा आपने बनाया है उतना बड़ा, उतनी आप ऐड कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा है तो 3 ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इवन स्टिक टू 1। ये मेरे पास नथ का बहुत सारा कलेक्शन है, गोल्ड की ऑफकोर्स मैंने नहीं रखी है घर पे, मैं आप सबको भी बता रही हूँ, गोल्ड प्लीज़ घर पे मत रखा कीजिए, गोल्ड एंड डायमंड घर पे नहीं रखना। कोल्हापुर से मैंने ये लिया था ये बहुत पसंद है इसे, हाँ इसे चिंचपेटी कहते हैं। सो
सभी लड़कियों का ज्वेलरी कलेक्शन का शौक होता है, सजने सवरने का शौक होता है, तो मेरा और एक कलेक्शन है, बैंगल्स कलेक्शन, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मुझे बहुत कलरफुल चूड़ियों का शौक हमेशा से रहा है। मैंने इनफैक्ट मेरे एक मराठी शो में तो खुद ही की बैंगल्स का कलेक्शन पहना था, क्योंकि मुझे उस लुक के लिए अप्रोप्रिएट लगता था मेरा जो बैंगल कलेक्शन था। तो सिंस आप ब्रेकफास्ट टाइम पर आए हो, तो आपके साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए पोहा, मुझे बहुत पसंद है गर्मा गर्म पोहा, और स्पेशली बारिश के दिनों में तो बड़ा मज़ा आता है। कैमरा फेस, मैंने एक्चुअली कैमरा फेस से भी पहले मैंने बिहाइंड द स्क्रीन काम किया था, जो मेरी फाउंडेशन है इस इंडस्ट्री में। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है एडिटिंग में, फिल्म एडिटिंग में। सो उसके बाद में मैं मुंबई आई थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मैंने एक फिल्म पर भी असिस्ट किया था। उसके बाद मैंने एड फिल्म्स में प्रोडक्शन भी किया हुआ है। सो मैं आई एम मोर ऑफ अ बिहाइंड द स्क्रीन पर्सन। मेरा एक शो था DD1 का, अधूरा बंधन, तो उससे मैंने शुरुआत की थी। आई होप आज आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आया होगा। देखते रहिए सास बहू और साजिश, सिर्फ ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।